नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। आज दिनांक 26 मार्च 2023 कैश पर माइक्रो क्रेडिट संस्था द्वारा अपने सदस्यों को वित्तीय जागरूकता तथा उसके हितों, ब्याज दर श्रेणी पर लगने वाले पूरे खर्चा, आचार संहिता और शिकायत निवारण प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए RBI द्वारा जारी नए दिशा निर्देश के बारे में जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कैशपोर हमेशा से ही गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सदस्यों को विस्तृत सहायता के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं भी प्रदान करती है, जिससे सदस्यों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के साथ साथ वो अपने परिवार की बीमारी और बच्चों के शिक्षा पर ध्यान दे सकें और अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें। कैशपोर प्रतिवर्ष ऐसे कार्यशाला का आयोजन करता है। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में देवरी थाना के SI बुद्धदेव उराव और आयोजन में लगभग 200 से अधिक लोग उपस्थित थे और इस आयोजन में सभी केंद्र प्रधान और सदस्यों ने भी बराबर भाग लिया। कैशपोर माइक्रो क्रेडिट ने इस योजना में सभी सदस्यों के जलपान और आने जाने की भी व्यवस्था की थी। इस आयोजन को सफल करने में DRM संजय कुमार, ARO महमूद अंसारी, BM अर्जुन ठाकुर, अलाउद्दीन संतोष यादव, ALCM संतोष कुमार राजकुमार, विकास कुमार अजय मंडल, रामाशीष कुमार, ओम प्रकाश चंदन कुमार और कई लोग शामिल थे। कैशपोर माइक्रो क्रेडिट जिस देवरी शाखा पे आज कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें कि लगभग देवरी ब्लॉक से 84 गाँव से हमारी सदस्य बहन आई हुई है। इनको हम लोग धोखाधड़ी से बचने हेतु जागरूक कर रहे हैं, साथ ही साथ कैशपोर से जो भी उनको सुविधा मिलती है, जिससे लोन तो देते ही हैं हम, साथ ही साथ उनको शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए, जिससे कि वो आगे परिवार उनका आगे बढ़ सके, इस सब उद्देश्यों के लिए हम लोग कंपनी के जितने भी लाभान्वित चीज़ है उनको बारे में उनको जागरूक करते हैं धोखाधड़ी से बचे। इसी के लिए हम लोग दूर दूर से बुला करके महिला बहनों को जागरूक कर रहे हैं। नाइन है जो इस समय RBI ने सख्त आदेश दिया है सारी संस्थाओं को कि उनकी आमदनी का 50% कर्ज का दर है, वो उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए ये आयोजन किया गया है और उसके क्या क्या नियम और शर्तें हैं उसको। वी टाइम न्यूज़ के लिए देवरी से संतोष कुमार राय की रिपोर्ट।